गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ अनुपमा का स्पॉइलर अलर्ट लेके आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से। तो बिना वक्त बर्बाद किए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि डिम्पी अपने करियर पे काफी हद तक ज्यादा फोकस करने लगी, जिसकी वजह से वो टीटू पे एक बराबर भी ध्यान नहीं दे रही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो अंश है यानी कि डिम्पी का बेटा, वो काफी डिटैच हो रहा है टीटू से। और कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हुआ जहाँ पे अंश ने मिसबिहेव किया टीटू के साथ, एंड देन उसके बाद इन सारी चीजों ने डिम्पी ने साथ दिया अपने बेटे का। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने टीटू को पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया, और ये सारी चीजों से बेचारा टीटू बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वो चला जाता है आशा भवन। ये सारी बातें वो बताता है देविका और साथ ही साथ अनुपमा को। अनुपमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये डिम्पी क्या करे, ये वही डिम्पी है जो टीटू से प्यार करती है और आज वो टीटू का साथ ही नहीं दे रही। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वनराज पूरा कोशिश कर रहा है कि वो टीटू और डिम्पी का डिवोर्स करवा दे और टीटू यहाँ से रफू चक्कर यानी कि दफा हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वनराज को पता चलेगा कि सागर और मीनू के बीच कुछ चल रहा है, वनराज का दिमाग पूरे तरीका से खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे इंदिरा और बाला दोनों की नजदीकियां काफी हद तक ज्यादा बढ़ रही है, और ये सारी बातें सोच के इंदिरा ये सोचती है अगर मैं अपनी नई जिंदगी बिताऊं तो मेरे घर वालों को शामिल होना जरूरी है। बट आप तो जानते हैं कि इंदिरा के बेटे ने उसे घर से धक्के मार के निकाल डाला था। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देविका कुछ ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करती है ताकि वो अनुज को ये चीज़ का एहसास दिला सके कि वो जो मतलब चीज़ उसे अंदर से खाए जा रही है वो सारी चीज़ अनुपमा ही ठीक कर सकती है, और अनुपमा ही उसके सारे दर्द का इलाज है। सो दिस इज द ओवरऑल अपडेट। हाउ मच यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।